हेलो एचपी बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी अपडेट, क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए भी और क्लास टेंथ वालों के लिए। क्लास टेंथ वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है कि क्लास टेंथ का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड भी है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं। कमेंट्स में सिर्फ उनका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सर क्लास टेंथ का कब आ रहा है, क्लास टेंथ का कब आ रहा है। क्लास ट्वेल्थ का जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास ट्वेल्थ का जो है वो 20 तारीख को 11 बजे डिक्लेयर होना है, तो वैसे ही वो डिक्लेयर हो गया। तो सबसे पहले तो ट्वेल्थ वालों को मुबारकबाद दे देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ट्वेल्थ वालों। आई होप आप सबका रिजल्ट बढ़िया आया होगा। और मिठाई देना ना मुझे मत भूले, ठीक है? अकेले अकेले पार्टी मत कर लेना। तो बात कर लेते हैं ट्वेल्थ वाले रिजल्ट की सबसे पहले, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं टेंथ वालों के लिए। टेंथ वालों के तो बहुत जबरदस्त अपडेट निकलवा कर लेके आया हूँ, बहुत तगड़ी वाली अपडेट विद प्रूफ आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परिणाम इस मरतबा पिछले वर्ष के मुकाबले 14.57% कम दर्ज किया है। जी हाँ, मैं हिमाचल बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी बोर्ड के रिजल्ट इस बार मैंने देखे हैं, CBSE ले लो, ICSE ले लो, राजस्थान बोर्ड ले लो, इन सबके बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो 90+ हैं। इवन CBSE का भी जो है वो 87-89 को टच कर रहा है, लेकिन हिमाचल बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कितना रहा है, 79% है। तो इतना ज़्यादा कम मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हिमाचल बोर्ड के अंदर रिजल्ट इतना ज़्यादा कम आएगा। इन्होंने यहाँ पर भी यही चीज़ को एक्सप्लेन किया कि 12वीं कक्षा के जो परिणाम है वो 14.5 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 15% कम रहा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले वर्ष फेल होने वाले विद्यार्थियों का आंकड़ा मात्र 1899 था, यानी कि 1889 था, जबकि इस बार फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8139 पहुंच गई, यानी कि 8000 बच्चे जो है इस साल फेल किए गए हैं। बहुत ही ज्यादा बच्चा फेल किया है हिमाचल बोर्ड वालों ने, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैक्सिमम मुझे जितने भी कमेंट्स आए उसमें तो सब बच्चों ने ये कहा है कि सर मैं पास हो गया हूँ, मेरे अच्छे नंबर आए हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो आई होप आप सब सेटिस्फाइड हो गए अपने रिजल्ट से, अपने मार्क्स से। अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है, आपको क्वेरी लगती है ट्वेल्थ वालों, तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर इसके रिलेटेड कोई और आप वीडियो बनाना चाहते हो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं वो भी वीडियो जो है आपको बना के दे दूंगा। जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आपको चाहिए कोई, अगर आपको मार्क्स के रिलेटेड डाउट है, कंपार्टमेंट्स के रिलेटेड अगर आपको जानना है, तो उसके रिलेटेड जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्लास टेंथ वालों की मोस्ट अवेटेड थिंग कि क्लास टेंथ का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। क्लास टेंथ वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, टेंशन से हाइपर हो रहे हैं कि क्लास टेंथ का जो रिजल्ट है वो कब आ रहा है। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 12वीं कक्षा के परिणाम को रिकॉर्ड समय घोषित किया गया, यानी कि उन्होंने बोला था कि 20 तारीख को 11 बजे रिकॉर्ड का उनका था कि रिजल्ट आ जाएगा, तो 11 बजे एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया था। उन्होंने बताया कि अगले 5-6 दिन में 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ क्लास टेंथ वालों, लो जी आपके लिए खबर आ रही है, अगले 5-6 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उन्होंने बताया कि 10वीं कक्षा का परिणाम लगभग तैयार है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम रूप में पता क्या होता है, जहां तक मेरी थिंकिंग, अंतिम रूप में होता है कि डेमो किया जाएगा, क्योंकि कल तो जैसे बोला कि कल मंडे हो जाएगा, आज संडे है हमारे पास, तो मंडे को आज तो ऑफ होगा, मुझे लगता है आज ऑफ होगा, तो कल मंडे को क्या किया है, डेमो की स्टार्टिंग की जाएगी। डेमो में क्या होता है, आपका रिजल्ट अपलोड करके देखा जाएगा, वेबसाइट क्रैश तो नहीं कर रही, रिजल्ट सही से ओपन हो रहा है, और सही उसी रिजल्ट बच्चे का ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं होता, क्रैश हो जाता ना कई बार कि आपका रिजल्ट किसी और को शो होने लग जाए, किसी और का रिजल्ट क्रैश हो, कोई अकॉर्डिंग है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये अंतिम रूप वही होता है कि थोड़ी बहुत जो उसमें प्रक्रिया होती है उसको बस चेंज कर दिया जाता है, चेक करने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, सारा कुछ जो है सेटलमेंट हो रही है। तो मुझे जहां तक लगता है इन्होंने 5-6 दिन बोला, क्या पता 5-6 दिन से पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है, मंगलवार को भी आ सकता है, बुधवार को भी आ सकता है। अगर इसके अलावा कोई और अपडेट मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए अब मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि जैसे कोई अपडेट आती है ताकि वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।